कैसे हैं आप लोग? वेल, मौसम देख रहे हैं आप लाहौर का, खूबसूरत हुआ है मौसम, ठंडा ठंडा, दिसंबर का पीक महीना चल रहा है, ठंड जोर शोर पे है और लाहौर आया हूँ मैं अपने शहर में, तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिम की तरफ रुख किया जाए। दो हफ्ते से मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ मौसम चेंज होने की वजह से, पहले ज़रा फ्लू का अटैक हो गया तो उसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। उसके बाद आई वेंट टू बहावलपुर टू शूट खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3। उसके पहले स्पेल से वापस आया हूँ एक दिन के लिए लाहौर, सो आई थॉट टू जस्ट गो डाउन स्ट्रेट टू जिम और डू सम वर्कआउट। और मैं यहाँ पे लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन लाहौर यहाँ पे आया हूँ, उस वक्त दैट इज शेप्स, और आज यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। आज मेरा शोल्डर लगाने को दिल कर रहा है तो ज़रा शोल्डर खोलते हैं अपना, लेट्स गो। सो अभी ज़रा लॉकर में चलते हैं, जाके चेंज करते हैं थोड़ा सा और लेट्स बिगिन द वर्कआउट। हाँ जी, सो तैयार हो चुके हैं अब लेट्स हिट द ट्रेडमिल और थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, बॉडी खोलते हैं। आओ कम, मैं इतना शॉर्ट ट्रिप पे आया था लाहौर, सो मैं अपनी ट्रेनिंग शूज़ नहीं लाया था, सो इस वक्त ज़रा आई एम लिविंग विद व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ। कम्फी शूज़ हैं सो आई कैन जस्ट वॉक, रनिंग नहीं करूँगा इस पर, आई कैन जस्ट वॉक एंड वार्म अप माई बॉडी और तैयार करते अपने आप को फॉर द मेन वर्कआउट, दैट इज दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया। Breathe in through the nose and exhale through the mouth. Open up your lungs. ये इस वक्त हम एक वंडरलैंड में हैं, दिस जिम, इट्स अ ह्यूज प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स टू वर्क आउट इन लाहौर, कराची, एंड इट्स काइंड ऑफ अ वंडरलैंड, काइंड ऑफ अ डिज्नीलैंड फॉर अस जिम जंकीज। तो lots of machinery, lots of equipment, state of the art and up to date, and just very good and comfy cozy environment for us to work out and have a great time at the same time. वेट्स मैं भी यूज़ नहीं कर रहा, ये एक वार्म अप का ही बेसिक तरीका है कि वेट्स नहीं, लेकिन आप जितना प्रेशर फोर्स लगाएंगे इसी पोजीशन में भी आपको इम्पैक्ट फील होगा ऑन द शोल्डर, सो मोर प्रेशर डाउन एंड दिस विल एक्ट एज ए वार्म अप फॉर योर शोल्डर। इतनी मशीन्स यहाँ पे हैं, तो ईदर वी कैन वर्क आउट यूजिंग द मशीन्स, यूजिंग द केबल्स, यूजिंग डंबल्स, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट जो एरियाज हमने फोकस करने हैं वो इज फ्रंट, इज मिड, द बैक, दीज, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू थ्रू फ्रंट रेजेस, थ्रू साइड रेजेस, थ्रू लैटरल रेजेस, shrugs, face pulls, so a mix ek karenge sare exercise ka, and we'll do 10 to 12 reps
and 3 sets of each. And I think we'll be done with our workout. So let's pick a machine and do another round of warm-up. Press a lighter weight using a machine, do some shoulder presses. क्या हाल है? ये ठीक ठाक हूँ। फिट फाट? All good, all good. बस बस ना। ये उज़ैर है, उज़ैर। ये he's a marketing head in shapes और खुद भी solid आदमी है। I try my level best. तो बस इनके यहाँ पे जिम आए और आज हम जरा सोच रहे थे कुछ शोल्डर शोल्डर लगाते हैं। So weight facility यार बड़ा maintain किया है। It's really good. It's one of the best because far better than the Karachi as far as the equipment is concerned as far as the environment even. So we always, it's a flagship store. चलो चलो workout के बाद मिलते हैं फिर। करें करें I'll be waiting. Alright. Light weight use किया इसमें around this is 22 pounds और इसके को 3 set लगाएंगे हम और we'll be warmed up और फिर हम जरा heavy हो जाएंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि shoulders के interior areas को cover करें। जो important चीज miss करते हैं workout में वो shoulder में कि हम जो muscle का पूरा stretch है उसको miss करते हैं। मतलब हम यहाँ से शुरू होते हैं सब यहाँ से extension लेके आते हैं और वापस लेके आते हैं तो muscle का पूरा stretch जो है वो नहीं होता। अगर हम यहाँ से लेके आएंगे muscle को so we get the complete stretch. So हम cable use करेंगे और cable से हम pressure apply करेंगे so that even when we are doing the front raises we are getting the maximum stretch out of the exercise. So हम इसमें front side और लैटरल ये 3 करेंगे यूजिंग द केबल। ये देखिए मुनीब नवाज। मुनीब नवाज हमारे लिए कपड़े बनाते हैं लेकिन आज यहाँ बॉडी बनाने आए हैं। साथ में प्रोग्रेस भी चेक करें जरा, बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस चेक करना शीशे में। अच्छे शीशे और अच्छी लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बताते हैं कि आप की प्रोग्रेस क्या है। इसे तो सही जा रही है। आई थिंक आई एम जस्ट डन, आई एम लेफ्ट विथ जस्ट वन लास्ट सेट ऑफ दिस एंड आई विल बी डन विथ टुडेज़ वर्कआउट। 2 हफ्ते के बाद मैं जिम आया हूँ और आई विल go easy on myself today. Aista, aista. Oh God! आज के लिए इतना काफ़ी है, हल करूँगा अपने आप पे। ऐसा है एज आई सेड कि 2 हफ्ते बाद कम है और वज़न उठाया मैंने तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली टुमारो और डे आफ्टर आई विल स्टार्ट गेटिंग बैक टू माय ओरिजिनल रूटीन। मैं थोड़ा सा आई डू हैवी लिफ्टिंग एज वेल सो आई थिंक आई विल बी सेइंग गुड बाय टू यू फॉर टुनाइट today's this session or I'll be seeing you again very soon next time. Kuch nayi baat karenge, kuch aur share karenge. So till next time, bye.
So, ये था जी आज का सेशन. बड़ा मज़ा आया आज. काफ़ी अर्से बाद, दो हफ्ते बाद आई वर्क आउट और आई केम टू द जिम एंड आई केम टू द बेस्ट स्पॉट फॉर इट. वर्कआउट आपने देखा होगा. वेल, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा, ये बहुत बेसिक है जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हेयर, यू गाइज बैक एट होम जो कि शायद मुझसे ज़्यादा जानते हों. So give me feedback in the comment section. Let me know what you think about this or how you think I can improve myself, improve my fitness regime. You have any diet tips, you can let me know. If yeah, workout mein agar aap samajhte hain koi cheez maine mujhe theek karni chahiye usko, let me know and I'll make sure that I fix it, because aap logon ke comments jo hain wo I really read and I make sure that I notice them, because aap logon ka feedback bahut important hai. So till next time, it's a goodbye for now. Aur is video ko dekhein, like kare, channel ko subscribe karna mat bhulega. Bye bye.